गाजा पाई काल हेब 2024। गाजा युद्ध को प्राय तीन मास हेबाकु जाउछि, हेले ए जाए गाजारु हमास को मूलपोच करिबारे सफल होइनि इजराइल रो आईडीएफ। गत 36 घंटा मध्यरे इजराइल सेना हमास आतंकवादी को समेत 200 रु अधिक पालेस्टाइन नागरिकों को मारिछन्ति। चकित कलाबली तथ्य हेउछि, गत 2 सप्ताह हेला उत्तर और दक्षिण गाजारे हमास पक्षरु करा दैछि जोरदार आक्रमण। 2023 रे शेष दिन अर्थात डिसेंबर 31 रे हमास पक्षर जारी होइतिबा एही वीडियो को देखन्थु, जेउथिरे हमास आतंकवादी अति निकटरो इजराइल रो टैंक एवं सेना उपरे आक्रमण करुछन्ति। हेलमेट पिंधुछन्ति टैंक, टैंकर स्पंसान पलटि गाजा, हमास रा टैंक उपरे हमला। 31 डिसेंबर 2023 रे हमास द्वारा जारी होइतिबा एही वीडियो को भलो भाबे देखन्थु, जेउथिरे हमास रा आतंकवादी माने अति निकटरो इजराइल टैंक उपर को सीधा सड़क अटैक करुछन्थु। हमास दाबी करुछे एही आक्रमण दक्षिण गाजार खान युनिस रे करा जाइछि। हमास रा दाबी हेला 30 डिसेंबर 2023 रे एही अटैक करा जाइछि। इजराइल टैंक को टारगेट करुछि हमास, कारण इजराइल रे टैंक गाजा सह हमास पै पलटिछि काल। ए टैंक बलरे इजराइल सेना ए पर्यंत हमास रो 800 रु अधिक सुरंग बर्बाद करि सारलाणि। खास सेति पै एबे हमास अति निकट रो इजराइल टैंक को टारगेट करुछि। एपरि कि अनेक समय रे 20 रु 25 फुट दूर थाई हमला करुछि हमास। हमास रो रॉकेट सीधा सड़क इजराइल टैंक रो हेड को टारगेट करुछन्ति, फलरे मात्र किछि सेकेंड रे बर्बाद हो जाउछि टैंक। एबे हमास द्वारा जारी करा देथिबा आउ एक वीडियो देखन्तु, जेउथिरे हमास रो योद्धा गाजा रे भंगा दगरा कोठारे थाई इजराइल सेना को करुछन्ति टारगेट। दाबी करा जाउछि ए आक्रमण रे बहु संख्या रे इजराइल सैनिकक मृत्यु होइछि। भली ढंगरे 28 डिसेंबर 2023 रे हमास मध्य गाजा स्थित ब्यूरेज शरणार्थी शिविर रे इजराइल सेना को टारगेट करितिला। टैंक को स्थल सेना उपरे किछि एभली अंदाज रे आक्रमण करुछि हमास। दाबी करा जाउछि एहि इलाका रे एबे मध्य एते सुडंग रहिछि जेउटि थाई अचानक आक्रमण करुछन्ति हमास रो योद्धा। एभली तरीकारे 27 डिसेंबर 2023 रे हमास द्वारा गोटे आक्रमण में 12 रु अधिक इजराइल सैनिकों मृत्यु नहीं दाबी करागला। हमास रे वीडियो केउ इलाकार ताहा तो जना पड़ी, तबे वीडियो रे किंतु यह स्पष्ट जे हमास एभली इजराइल सेना उपरे हमला करुछ। वर्तमान यह को नजर रखी इजराइल सेना द्वारा टैंक रे सील करा जाउछ, फलरे एमिति अचानक हमला हेले सेथिरु टैंक को रक्षा करि हेब। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।